विजय शर्मा जी का आगमन हो चुका है। गणपति धाम में ना बहुत सुंदर झूला लगा हुआ है। अरे झूला देखिए कितना मज़ बच्चे लोग मजा ले रहे हैं। देखिए आसमान का नजारा देखिए, शानदार, पूरा शहर एकदम झकास लग रहा है, झकास। यहाँ से ना नज़ारा कुछ और है और शानदार दिखता हुआ गणपति धाम, और यहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम। बहुत सालों से हम लोग लगे हुए थे इसको करने के लिए, बहुत कठिनाइयाँ आई करने में, लेकिन यहाँ ना पत्थर विभिन्न लोकेशन में है और ये ना बैठने का अच्छा काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुशवाहा फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम हैं गणपति धाम अंबिकापुर, जिसको पहले ऑक्सीजन पार्क बोलते थे, आज अभी उसका नाम गणपति धाम हो गया है। और ये देखिए यहाँ पर ना हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं। गणेश जी का एक विशेष आरती होने वाला है, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय शर्मा जी और माननीय मंत्री महोदया लक्ष्मी राजवाड़े जी शामिल होने वाली हैं। तो चलिए पूरा वीडियो को देखेंगे और आपको गणपति धाम का पूरा दर्शन कराएंगे, पूरा विजिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणपति धाम को आपको दिखाते हैं कि कैसा है गणपति धाम, गणपति जी का दर्शन कराते हैं। चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और अभी गेट में है। यहाँ पर महाआरती लिखा है और एक गेट है, देखिए ये गणपति धाम। हार्दिक अभिनंदन। पार्क खुलने का समय आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वो पढ़ लीजिए, आप उसी टाइम आइएगा यहाँ। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं भीड़। ये देखिए ऐसा भीड़ है और अभी सब स्वागत के लिए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये उप मुख्यमंत्री जी के दर्शन के लिए है और माननीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी के दर्शन के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं। और चलते हैं आगे। एक खूबसूरत लोकेशन, आपको झंडा दिख जा रहा होगा, झंडा है और भारत देश का झंडा ना शान से लहराता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। और चित्रकारी देखिए दीवारों में कैसा है और इधर क्या है, देखते हैं। इधर चलते हैं पहले। यहाँ पर ना कैंटीन है और फूड जोन है और ये देखिए शानदार लोकेशन में भी है, ये लोकेशन है और ये जंगल है इधर। इसके दीवारों में विभिन्न प्रकार के सजावट किया गया है। ये पिछले बार आया था तब भी था। हेलो, हेलो। और ये बहुत पहले से है। हेलो, हमारे बीच मीडिया के बंद। ये देखिए यहाँ हिरण बना हुआ है और इसको पूरी तरह अभी नहीं बना पाए हैं, इसका कलर और पेंट वेंट बाकी है। यहाँ ना पत्थर विभिन्न लोकेशन में है और ये ना बैठने का अच्छा काम करता है, सभी बैठते हैं। हेलो, यहाँ पर लिखा है ध्यान देंगे गणपति मंदिर, सभी से अनुरोध है कि जो जाने का रास्ता है जाने का रास्ता है क्लियर कर दें। इसके अलावा यहाँ पर शान से लहराता तिरंगा और आप सबको एक सूचना और दी जा रही है जी कि समिति की तरफ से कुछ नाम डिसाइड किए गए हैं जो वीवीआईपी के साथ यहाँ पर आरती में शामिल होंगे। ये देखिए ऐसा नजारा यहाँ का, यहाँ से ना नजारा कुछ और है और शानदार दिखता हुआ गणपति धाम, और यहाँ पर हो रहा है कार्यक्रम। और ये आसमान का नजारा देखिए शानदार, पूरा शहर एकदम झकास लग रहा है, झकास। शान से लहराता अपना तिरंगा। यहाँ ना गणपति धाम में ना बहुत सुंदर झूला लगा हुआ है। अरे झूला देखिए कितना मज़ बच्चे लोग मजा ले रहे हैं। देखिए ये शासन का पैसा ना यहाँ काम आया है। देखिए देखिए इधर इधर सब बच्चे खेल रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। काश हम भी छोटे होते तो खेल पाते यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है गणपति मंदिर हाथी पकना, मुस्कुराइए आप गणपति धाम में हैं। तो हम लोग मुस्कुराते हैं और इधर पूरा भीड़ जमा हुआ है। मंत्री जी का बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है और उप मुख्यमंत्री जी का इधर, और भीड़ देख रहे हैं, जबरदस्त भीड़। लोग ना आतुर हैं देखने के लिए मंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को, अपने जनप्रतिनिधि को। यहाँ पर भीड़ देख लीजिए भाई, जबरदस्त भीड़, शानदार। और यहाँ LED लगा है, दो जगह लगा है, दो जगह अभी तक देख चुके हैं हम लोग। ये देखिए सेल्फी लेते हुए भालू के पास, और इधर पत्थर में बैठे हुए लोग और इधर भाई लोग, और यहाँ पर ऐसा नजारा है। ये देखिए भाई साहब क्या भीड़ है, शानदार। फिर से देखिए एक बार भीड़,
ये है भीड़। यहाँ पर ना सभी इंतजार कर रहे हैं और सब बैठे हैं मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के इंतजार में, और यहाँ कुछ यहाँ स्वागत की तैयारी में सभी बैठे हैं और फूल से स्वागत होगा। चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर शायद पंडित जी लोग बैठे हैं और यहाँ पर महाआरती का तैयारी अभी मान लो अब गणेश जी का दर्शन कराते हैं। जैसा कि मैं बताया था आपको, गणपति पप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा कमेंट में। और ये हो गए गणेश भगवान का दर्शन, और ये पहले से बहुत बदल चुका है। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये पूरा खुला था और यहाँ शेड लग चुका है, सामने भी और पीछे भी पूरा चारों तरफ से पैक हो गया है। तो कुछ यहाँ पर भैया लोग मिले हैं, उनसे बातें करते हैं और यहाँ के बारे में पूछते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम धीरज सिंह है। धीरज जी बताइए कि ये सब बदलाव अचानक कितना मेहनत लगा समिति का? बहुत सालों से हम लोग लगे हुए थे इसको करने के लिए, बहुत कठिनाइयां आई करने में, लेकिन बापा का आशीर्वाद था कि आज सफल हुए और एक अस्थायी मंदिर अभी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही जल्द पूरे समिति के और पूरे अंबिकापुर के लोगों के सहयोग से बहुत भव्य मंदिर यहाँ पर बहुत जल्द बनने वाला है जी। समिति का ना जितना धन्यवाद करना चाहिए कम है, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं और ये बना है। मैं लगभग 5 दिन पहले आया था, यहाँ कुछ नहीं था ऐसा, 5 दिन में खड़ा हो गया, और इसमें ना रात दिन मेहनत लगा होगा ये मेरे को अनुमान है। तो चलते हैं अब महाआरती का दर्शन कराएंगे और जो जो होते रहेगा उसका सारा वीडियो आपको इसी चैनल पर आने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई वीडियो पसंद आ रहा है हमारा तो लाइक करिए। यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं जो हमारे साथ हैं, क्या नाम सर? संदीप यादव जी। महोदय कब से मंदिर बना और कितने साल हो गए? मंदिर निर्माण अभी कुछ ही वर्षों में हुआ है और सेट वर्तमान में अभी वर्तमान में बना है कुछ दिनों में मतलब एक हफ्ता लगभग करना चाहिए, 10-5 दिन में 7 दिन में। आप हमेशा पूजा यहीं करते हैं? जी डेली जी। तो पंडित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने ऊपर आके और डेली पूजा करते हैं। और कमेंट में आप लोग गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिखिएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर ना बाल गंगाधर तिलक समिति आपका स्वागत करता है लिखा हुआ है, और यहाँ पर मुख्य जो मंदिर है नीचे है भूमिगत मार्ग, तो अपन चलते हैं भूमिगत मार्ग में। और यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है और चारों तरफ कोई भी घटना ना हो उसके लिए पूरी तरह से महिला पुलिस और पुरुष पुलिस मुस्तैद है, उसके लिए भी धन्यवाद। तो चलते हैं आगे नीचे और दिखाते हैं आपको, बगल से रास्ता है और थोड़ा सा ना इसमें बरसात में ध्यान से आना होगा ताकि आपको चोट ना लगे, गिरे ना। और भैया लोग देखिए ऊपर बैठे हैं, और यहाँ से ना शहरे का शहर का अलग ही नज़ारा दिखता है, बस झकास वाला। मुख्य जो है गणेश जी का स्वयं प्रकट ये वाले हैं, और यहाँ का ना मान्यता है कुछ, उसको पूछेंगे भी। चलते हैं, यहाँ भोले बाबा का और नंदी महाराज का भी नाग देवता का ही पूजा होता है। और ये तमड़ा पत्थर है देखिए, सम्राट विजय शर्मा जी का आगमन हो चुका है। मैं बाल गंगाधर तिलक स्थापना समिति की ओर से उनका Oh, wow.
जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। आज जैसे ने मुझे चुना है, मैं हृदय से आभारी हूँ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय हमारे भैया, आदरणीय सुधार भैया और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी। आज की पूजा अर्चना के बाद एक विषय जो सबके दिल में है, मैं सोचता हूं कि उस दिशा में हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। भगवान की पूजन के बाद आज वो ये स्थान गणपति धाम में, आज गणपति धाम में इस एकत्रीकरण को देखकर मुझे बहुत स्पष्ट हो रहा है, बहुत स्पष्ट हो रहा है कि ये पूरा स्थान गणेश जी और ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे अंबिकापुर की जनता के लिए। और इस महत्वपूर्ण स्थान की योग्यता, इसकी उपयोगिता, इसका संरक्षण, इसका उन्नयन, ये सब कुछ हम सबका दायित्व तो है। ईश्वर हम सबको शक्ति दे, बल बुद्धि के भगवान गणेश हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, गणपति महाराज हम सबको शक्ति दे, इस काम में हम सब आगे बढ़कर और नई स्थितियों का सृजन कर सके। मैं पुनः एक बार फिर से सभी साथियों का जिलाध्यक्ष जी और सभी साथियों का बार बार आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मुझे आने का सौभाग्य दिया। समय मूल्यवान था, मैं नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं है भैया, मैं आप सबके बीच में आ गया तो मेरा समय मूल्यवान हो गया, इससे पहले समय का कोई मूल्य नहीं। भैया मैं हृदय से शुभकामना बार बार देता हूँ और अनवरत ये बात चलती रहे, अनवरत विषय आगे बढ़ता रहे, ये हम सब का अभिप्राय हो, ये हम सब का ध्येय हो, यही प्रार्थना करता हूँ। सभी का आभार अभिनंदन करते हुए आदरणीय सांसद जी, आदरणीय मंत्री जी, मंत्री महोदय, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा। भैया को जो पहचान रहे होंगे, इंस्टाग्राम देखते होंगे ना, वो पहचानेंगे, ये वही हैं, अंबिकापुर वाला गाना गाए थे। भैया गाना कौन लिखा था? गाना को आप ही लिखे थे। बजाला बजाओ तो अंबिकापुर सरगुजा से गरीब लगा दर्शन दे मोर गणपति देवा। तत्काल में लिखे थे कैसे? खड़े खड़े। और एक इनके मित्र हैं जो यहाँ पर रही हैं, तो आगे पार्ट बनाएं। जी जी जरूर बनना चाहिए, आगे पार्ट बनाते हैं, तो इंस्टाग्राम में इंतजार करिए आगे पार्ट का।
और भैया लोग हैं महामाया मंदिर के ठीक बगल में गणेश पूजा हो रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर ये गणेश पूजा में है और यहाँ पर इनका बैंड है, बैंड का नाम बता दीजिए। रघु ढोल है, रघु ढोल, रघु ढोल है और इनका ढोल नगाड़ा बहुत फेमस है। इंस्टाग्राम में लगभग 3.5 लाख लोग देख चुके हैं अभी तक इनका वीडियो, गाना मैं ही लिखा था तत्काल में इनको गवाने के लिए, तो आगे पार्ट आएगा इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी, तो इंतजार करिए। तो पूरा वीडियो आप लोग देख चुके हैं, कुछ गलती है वो वीडियो में तो उसको क्षमा करिएगा। और बाकी वीडियो कैसा लगा, भाई लोग भी साथ में हैं और क्या नाम सर आपका? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह जी हैं और भैया सौरभ, सौरभ भैया जी हैं। तो आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं उसको कमेंट करके बताइएगा, और प्यारा सा छोटा सा वीडियो हमारा कैसा लगा उसको भी कमेंट करके बताइए। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ से बाहर से किस जगह से देख रहे हैं उसको भी कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ गलती हो तो छोटा समझ के माफ जरूर कर दीजिएगा। मैं गोविंद कुशवाहा तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो, और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी गोविंद कुशवाहा सर्च करके आप इस वीडियो का रील्स छोटा छोटा देख सकते हैं और उसमें भी प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। रात के समय चांदनी चौक का पंडाल का नजारा देखिए, ये है झूला और आप इसको झूला भी सकते हैं, देखिए मैं झूला रहा हूँ और ये झूलते हैं और साइड से दिखाता हूँ झूलते हुए कैसे दिखते हैं, ये देखिए। और ये ना श्री कृष्ण जी के रूप में गणेश जी विद्यमान है यहाँ पर। जगह का नाम बता दीजिए कहाँ पर? ये ठंगन पारा मल्टीपर्पज स्कूल के सामने, जस्ट सामने ना। जी तो आपको इनका दर्शन करना है ना तो यहाँ पर तो आना ना पड़ेगा मेरे भाई। इस पंडाल का थीम आप लोग कहाँ से रहे? यहाँ पर ना खीर बन रहा है और बहुत मेहनत कर रहे समिति वाले, क्या नाम भैया? पहले आप गणेश जी का दर्शन करिए, गणपति पप्पा मोरिया जरूर लिखिए। आरा दारोमदार ना है, प्यारे प्यारे बच्चे लोग संभाले हैं और ये जो प्रसाद बांटना हुआ या पंडाल की सफाई हुआ सारा काम अभी ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे प्यारे, वो भी स्वेच्छा से अपने से। क्या नाम है बेटा आपका? अजय बारी। क्या बना हुआ बड़े होके? फौजी। और हम लोग ना और लोग से पूछते हैं कि क्या क्या बनेंगे, फौजी बन के क्या करोगे? क्या बनना है बड़े होके भाई? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, कौन सा बिजनेस करना है?